नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। मुजफ्फरपुर में जो अंधापन घोटाला हुआ उसकी गूंज आज विधान परिषद में, जैसे विधान परिषद में इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। अंत में सभापति देवेश चंद ठाकुर को हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराना पड़ा। हुआ यूं कि विधान परिषद सदस्य रीना देवी ने मुजफ्फरपुर में एनजीओ को अंधापन आँख के ऑपरेशन का मामला करने के लिए एनजीओ को जिम्मेवारी दी गई, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई। इस घोटाले को लेकर लगातार कंप्लेन किया गया, जो मुजफ्फरपुर जिला स्तर के अधिकारी से लेकर के सचिव स्तर तक के अधिकारी और पीएमओ तक इस मामले को पहुंचाया गया, जिसके बाद आज रीना देवी ने इस मामले को सदन में उठाया और इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। मंत्री भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसे मंत्री को भी घेरने का प्रयास किया गया। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार के आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन विशेष अभियान शुरू किया गया था। उक्त योजना से बिहार के गरीब नागरिकों को लाभ मिलता, लेकिन योजना में एनजीओ एवं विभागीय पदाधिकारी की संलिप्तता के कारण मुजफ्फरपुर जिला में वर्ष 2019-2023 की अवधि में निजी अस्पतालों द्वारा ऑपरेशन में अनियमितता बढ़ती गई, जिसकी जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। उक्त कमेटी द्वारा स्थल एवं अभिलेख जांच के पश्चात अपना प्रतिवेदन विभाग को सौंप दिया गया। मामले में वर्चस्व एवं पहुँच के कारण ही कमेटी के प्रतिवेदन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। फलस्वरूप मुजफ्फरपुर का आँख अस्पताल बंद है। पुनः सम्यक जांच हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अधीक्षक सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। अधीक्षक द्वारा जान माल का खतरा बताकर जांच करने से इनकार किया गया। अतः उक्त अनियमितता के संलिप्त एनजीओ एवं विभागीय पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई करने एवं मुजफ्फरपुर आँख अस्पताल को शीघ्र चालू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में जांच कमेटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित विसंगतियों के लिए दोषी कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महोदय, कमेटी बनाई गई थी महोदय, जिसमें निदेशक प्रमुख, असिस्टेंट डायरेक्टर, 15 दिन पहले करीबन 600 पेज का एक रिपोर्ट आई है। अब जो है विभाग महोदय इस रिपोर्ट को अध्ययन कर रहा है। अध्ययन करने के बाद इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं उस पर विभाग कठोर कार्रवाई करेगी महोदय। साथ साथ माननीय सदस्य ने कहा है कि अस्पताल बंद है महोदय, क्योंकि ये मामला अब न्यायालय में चला गया है, तो जब तक महोदय न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो है, चूँकि ये प्राइवेट अस्पताल है महोदय, तो अब न्यायालय का फैसला आएगा कि हाँ ये अब खुलना चाहिए, तभी हम उस पर कुछ कर पाएगा विभाग महोदय। माननीय मंत्री जी, एक केस में गंभीर मामला एक लाइन में देख रहा हूँ कि वो सदर अस्पताल के अधीक्षक ने ये कहा कि ये जाँच अगर होगी तो इस पर मेरे जान माल को खतरा है, ये बड़ी गंभीर। महोदय, जो इन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे तो हमारे ऊपर खतरा है महोदय, इसी वक्तव्य के बाद विभाग ने जो है निदेशक प्रमुख और असिस्टेंट डायरेक्टर की कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद जांच हुई, उसमें यह भी बात आई है कि किस आधार पे सिविल सर्जन ने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया। वो कमेटी के अध्ययन जो रिपोर्ट आई है उसकी अध्ययन की जा रही है, उसमें चाहे सिविल सर्जन हो चाहे जितने भी पहुंच वाले लोग हों, अध्ययन के बाद विभाग जो है इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। इस जांच की कोई समय सीमा तय? एक सेकंड। कैसा बोलता है कि साहब हमारे जान माल पे खतरा है, अधिकारी अभी बना हुआ वहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये अध्ययन कब तक करेंगे आप? अध्ययन एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या पूरा अपना ट्रेनों में कीजिएगा आप, तो ये अध्ययन कब तक चलेगा? ये अध्ययन बड़ा वेग शब्द है ये।
अध्ययन है, कहीं शोध कर रहे हैं लोग, अध्ययन कर रहे हैं, क्या मतलब इसका है? महोदय, ये जांच टीम दिनांक 22/8/2023 को मुजफ्फरपुर में अंध्यापन कार्यक्रम की इसका जांच किया गया था और मात्र 2 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया गया 24/8/2023 को। तो मैं कहना चाहूँगी कि 8 हो गया 9 हो गया 10 हो गया और अभी 11 है, और कितना अध्ययन करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं एक और बात इसमें संलग्न करना चाहती हूँ। इसमें जो एक रुक्मणी देवी है जो इस अंधापन घोटाले की पात्र है, जिसके एक आँख तो पहले से खराब था और दूसरे आँख की जो ऑपरेशन हुई तो दूसरा आँख भी जो है कि खराब हो गया। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि क्या उनका जो ये जो आँख का अंधापन जो उनके साथ हो गया है, क्या इसके लिए भी वो कुछ करना चाहते हैं, क्या उसको